आफ्टरनून कुलदीप जी। वेरी गुड आफ्टरनून मुजीब साहब एंड वेलकम इन ब्यावर अजमेर डिस्ट्रिक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं सुकांत जी चावला साहब जी, जो मतलब एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति और बकरी के बारे में काफी नॉलेज है। हम हमारे फार्म पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको विजिट करवाते हैं सबसे पहले हमारे फार्म के गोडाउन से, फीडिंग से। जी आइए। और इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा दोनों से कि आप अपना अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कुलदीप जी आप कहाँ पे, यहीं पे रहते हैं, ब्यावर के हैं? बेसिकली नागौर जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, पर पिछले 25 साल से मैं ब्यावर के अंदर ही हूँ। मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो मेरा मेन प्रोफेशन है एजुकेशन। आज के तारीख में मेरे पास में 2 से 3 स्कूल चल रही है, सीनियर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम विथ डे बोर्डिंग स्कूल है। और आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम DPS सीनियर सेकेंडरी अंबाबाड़ी विजयनगर रोड ब्यावर जी। और मेरे साथ में जो चावला साहब है जी, आप इनके बारे में बताइए। बोलिए। बेसिकली सर मैं हूँ हिसार हरियाणा से, हिसार से। जानवर के पेट में जाएगी तो आपको पता है काफी नुकसान करती है, इसलिए ये हमारी फिल्टर मशीन है, इससे हम चाल के नीट एंड क्लीन करके और फिर ये चारा जानवर। आइए। ये ऑल ओवर ईयर चलता है कि नहीं? बिल्कुल सर, कोई भी फीड मेरे पास में आएगा तो सबसे पहले ये फिल्टर होगा अकॉर्डिंग टू सीजन। कभी मूंगफली है, कभी लौंग है, कभी गंवार है, ये जो सीजन के अंदर सारी चीज आती है वो चीज। ये हमारा ग्राइंडर, ये ग्राइंडर है, जैसे जो वगैरह पीसना करना है तो ये भी हमने यहीं पे सेटअप कर रखा है। जो है मक्का है, दलिया है, ये सारी चीजें भी आगे और भी हम लोग बताएंगे, पर ये थोड़ा सा है कि ये ग्राइंडर। ये एक अहम चीज है, फार्म की दोनों रिक्वायरमेंट है, ये हर फार्म पे होना चाहिए, ये भी होना चाहिए अगर आप ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं। और मेन काम जो ये स्टोरेज इन्होंने बनाया है, अभी मूंगफली का जो है सीजन था तो पूरा स्टॉक करके रखा है ना आपने, ये पूरा स्टॉक है सर मूंगफली का। जी जी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मूंगफली का स्टॉक है जी, इसके अंदर हमारी गंवार भरी हुई है जी। ये जो लोंग पत्ती है, ये हरी पत्ती, हरी पत्ती के नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है, इसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगे। ये लूंग के लिए हमने अलग फिल्टर मशीन लगा, ये हमारे पास 2 मशीन है सर फिल्टर, तो ये हरी पत्ती के लिए और दाने के लिए, जैसे दाना ही होता है ना हमारा सीड्स आता है, उसमें भी काफी कचरा आता है जी, तो दाना और जो हमारी हरी पत्ती है वो इसमें से होगी, फिल्टर होगी सर, उसके बाद में हमारे जानवरों को जाता है जी। और जो बाहर आपने मशीन देखी वो हमारे ग्वार के भूसे के लिए और मूंगफली के भूसे के लिए। अच्छा अच्छा। ये हमारा पूरा स्टॉक पॉइंट है। अच्छा, पूरा मतलब यहाँ स्टोरेज होता है हर चीज। हाँ, ये 40x40 का एक हमारा रूम है, 40x40। हाँ, तो सीजन पे सारा एक साथ स्टॉक कर लेते हैं, जैसे मूंगफली का सीजन है, ये चारा मेरे पास में 6 से 7 रुपए किलो आया हुआ जी जी, और आज की तारीख में मार्केट में इसकी कॉस्टिंग है 13 से 14 रुपए। जी जी। तो मेन सीजन जब हो तब आप भरा लीजिए तो बेटर। हम इसी चीज पे तो कहते हैं सर कि जब आपके पास से सीजन होता है, जैसे हरी पत्ती है, सीजन पे आओगे तो हमारे यहाँ 10 रुपए से लेके 13 रुपए तक लास्ट होती है जी जी। तो ये कॉस्टिंग आप कम करनी है, फार्मर को कॉस्टिंग कैसे कम करनी है वो आपको अहम है। आपके पास उस टाइम के 20 से 25 दिन होने चाहिए जी जी। जैसे मूंगफली के भूसे की बात करते हैं तो एरिया वाइज जैसे होते हैं, तो हमारे यहाँ 3 रुपए से लेके हम इसकी 5 रुपए तक लास्ट खरीद करते हैं। अच्छा। ऐसे ही हमारा जो ग्वार का भूसा है वो 4 रुपए से लेके 6 रुपए तक लास्ट होता है, तो उससे क्या कॉस्टिंग कम होती है, कॉस्टिंग के ऊपर। ठीक है। और ये जो बाड़े आपने बनाए हैं ये क्या सोच के बनाए हैं आपने, मतलब ऐसे क्यों बनाए हैं, ये थोड़ा सा एक्चुअल में मुजीब साहब क्या होता है, जैसे हमारे पास में अभी हम दो ब्रीड पे काम कर रहे हैं ठीक है, और हम इसको टेक्निकल तरीके से काम कर रहे हैं जी। तो हमने क्या किया, जैसे आज एक बकरी फार्म डाल दिया, बोलते हैं सब गॉड फार्म डाल, पर गॉड फार्म में काफी ग्रेडिंग्स होती है ठीक है। जैसे आज मैं फीमेल लेके आया, वो कल बच्चे देगी,
वो बच्चे देने के बाद में वो 2 महीने के हो जाएंगे, हमें उस फीमेल से उसको बच्चों को अलग करना। तो हमने सारी ग्रेडिंग करते हुए ये अलग अलग पैन बनाए, ये 6 पैन है मेरे पास। 6 पैन के बाद में खुला स्पेस है। एक पेन की जो मेरी साइज है 20x17, जो अंदर जो पैन अंदर, दिन के समय ये बकरियां बाहर रहती है, रात को इनको अंदर डाल देते हैं हम। पर्दे वगैरह सारे सिस्टमेटिक लगाए हुए हैं। तो मतलब आपने पीछे दीवार रखी है, बिल्कुल एक साइड दीवार है, 3 साइड से पैकिंग है और सामने का हिस्सा खुला हुआ है। जोर है सर, मुजीब सर जी। तो आपने पीछे जो ग्रीन देख रहे हैं, ग्रीन नेट लगा हुआ है, वो हमारा जो समर वेकेशन आएगा ना हटा, विंटर में तो हम वो लगा देते हैं, समर में हटा देंगे। वेंटिलेशन आपने दिया हुआ, इतना अच्छा वेंटिलेशन बनेगा कि उसमें जानवर को गर्मी महसूस ही नहीं होती। अच्छा, ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बना हुआ है। हाँ, मतलब ईस्ट वेस्ट है, ईस्ट वेस्ट ठीक है। अब इसमें मैं थोड़ा सा, मुजीब साहब, ये हमारा जो पूरे फार्म है, फार्म पे अभी आगे आप जाएंगे जैसे जैसे आपको, ये सारा हमारा रिजेक्टेड माल है। अच्छा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो बकरी मेरे काम की नहीं है, जो ब्रीडिंग नहीं कर सकती या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो उसको हमने अलग ब्रीडिंग कर दिया है, बिल्कुल अलग ही रही। सेल नहीं करते, नहीं, ये नॉट किसानों को नहीं सेल, नहीं किसान को, किसी को नहीं। एक कटिंग मार्केट। और यहाँ पर आप ये यहाँ से क्वालिटी हो जाती है। अच्छा, यहाँ से मतलब एक सेटअप है, ये आप देख सकते हैं, ये ग्रोवर्स है हमारे, मेल ग्रोवर्स। अच्छा, ये सारे बिल्कुल। और अंदर आप नजर मारेंगे तो वो सिरोही के ग्रोवर्स। हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसे हम आपकी ब्रीड दिखाएंगे, ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसके लिए सरसरी तौर पे हम फार्म दिखाएंगे और कुछ बातें करेंगे जिससे काफी नॉलेज मिलेगा। अभी यहाँ पर जो मट्टी है वो काफी काम की है, बालू मिट्टी डालेंगे सर, इससे ये एक बहुत अच्छी मिट्टी होती है सर, गद्देदार मिट्टी जिसको बोलते हैं जी। इस मतलब वो मिट्टी क्या जिसको जानवर बैठ के आनंद ना ले, आनंद ले। तो ये आनंददायक मिट्टी है जी जी जी। ये और मैं आपको एक चीज और बता दूं सर, पहलवानी का जो शौक होता है ना, हाँ, वो इसी मिट्टी पे होता है। हाँ, वो दूसरी मिट्टी पे नहीं होता, नहीं है, होता है सही। तो ये जो है जानवर के लिए हम पहलवानी वाली मिट्टी लेते हैं। अच्छा, इसके कहते हैं जानवर की बैठक होती है सर। बैठक जी जी। तो बैठक से पता लग जाता है कि जानवर को कितना आनंद आ रहा है जी जी। और इस मिट्टी पे हमारे जो एनिमल्स है ना, वो नींद निकालना चाहिए, सोना चाहिए। अगर आपका एनिमल 2-4 घंटे नहीं सो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके वहाँ की जो मिट्टी है ना, वहाँ का जो बैठक है, उसमें प्रॉब्लम है। उसको आपको जजमेंट करना है, जजमेंट करना। जैसे अभी हमारे यहाँ प्रॉब्लम देखिए, हम आपको बताते हैं, थोड़े पत्थर आ गए ना, तो अभी हम इसको लेबर से या हम निकाल के इसको, और फिर इस पे वापिस बालू मिट्टी डलवा के, अच्छा, इसको गद्देदार बना देंगे। ठीक है, तो ये आपने सेटअप जो बनाया है, ऐसा सेटअप बनाया कि ये प्ले एरिया है, अंदर रहते हैं। तो ये काला नमक हर जगह लगा हुआ है, बड़े बड़े राजस्थान में तो होता ही है। अच्छा, बारिश के लिए आप कैसे मैनेज करते हैं ये बताइए। बारिश के लिए बहुत बढ़िया है सर आपका, क्योंकि बहुत सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बारिश में, आप फार्म कैसे बनाएंगे बारिश के लिए, ये सोच के बनाना बहुत ज़रूरी है बारिश को, क्योंकि बारिश बरसात में ही तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। तो उसके लिए क्या, बारिश का जो हमेशा जो वे होता है सर, वो यूँ आता है दीवार बनी हुई है, तो बारिश आएगी नहीं। दूसरा जो बारिश का जो वे आएगा, वो वेस्ट साइड से आएगा जी, ऐसे आएगा, तो नहीं आएगा कभी इस यू वे में बारिश नहीं आएगी। ओके, राइट, या यू वे में आएगी, तीन वे हो गए बारिश के। अब इस वे में बारिश है ही नहीं हमारे, हम बारिश का वे चेक कर लेते हैं अपनी बारिश की वे किस तरह से आ रही है, तो उस तरह जिस तरह से इस तरफ से आएगी, लेकिन सामने नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी अगर इन केस अगर कुछ होता है, तो आपने ये लगा के रखा है, लगा के रखा है ये डाल के उनको अंदर, और फीडिंग हमारा अंदर भी होता है, अंदर भी होता है, बाहर भी होता है। ठीक है, तो ये आपने पूरा जो फार्म सेटअप किया है, ये कितने आपके यहाँ तो बीघा चलता है? हाँ, ये सर 174 है, 174x90 है ये। अच्छा, 174x90 का पूरा हमारा सेटअप। ठीक है, और आपका जो कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट आपका जो विजन है साई गोट ब्रीडिंग का फार्म का, ये क्या है वो हम जानना चाहते हैं। एक्चुअल में साई गोट ब्रीडिंग फार्म अभी 2 ब्रीड पे काम कर रहा है, सोजत और सिरो जी। ठीक है, जो हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल, आप उस पे कवर करेंगे वो सारी चीजें। हाँ, जो ब्रीडर्स हैं, मेन हमारा यही है, अच्छी ब्रीड तैयार करके हम खुद भी उसको अच्छा सा चलाएं, प्लस फार्मर्स को ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाएं, ताकि टेक्निकल तरीके से, आज की तारीख में काफी, आपने भी नोट किया होगा, आप इस लाइन में हैं मुजीब साहब, तो काफी नौजवान और अच्छे टेक्निकल लोग इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं जी, और बड़े आ भी रहे, अच्छे आना चाह रहे हैं। तो जो आज से पहले कंसेप्ट था, 1 साल पहले या 2 साल पहले जो बकरी पालन का कंसेप्ट था, वो आप ये माने पूरा चेंज होने वाला है आने वाले कुछ टाइम जी जी जी। और आप ये माने कि ये मीट पर्पज से भी है, प्लस मिल्क पर्पज से भी है, और हर तरीके से आपको
ये जो गॉड ब्रीडिंग फार्म है एक बेनिफिशियल यूनिट हम तैयार कर रहे हैं और यही मकसद है हमारा कि जो हम रिसर्च करके यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। आज हमारे पास में लगभग 150 एनिमल्स है जी, ठीक है, और 150 एनिमल्स में से कुछ हमारे खुद के पर्सनल है, वो बेचने के नहीं है, काफी कुछ हमारे बेचने के हैं, वो भी यदि कोई आके लेना चाहता है तो हम वो भी देंगे, उपलब्ध करवाएंगे, और वो सारे गारंटी के साथ में। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने दे दिया या केजी का माल है हमें, यहाँ से जो ब्रीडिंग फार्म पे हम माल परचेज करते हैं या सेल करते हैं फुल गारंटी के साथ। अच्छा। यदि हम कोई परचेज भी कर रहे हैं तो उसका पूरा टेक्निकल तरीके से, आज जैसे सुखान जी है कि मतलब सर ओनली डील क्वालिटी एनिमल, क्वालिटी नहीं है जी। हमने आपको कह दिया हम कटफू में डाल देंगे जी, 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 सही वो केवल कटिंग में ही जाएगा जी, जी, जी। क्वालिटी में ही डील होती है जी, सही बात है। अगर आपको सक्सेसफुल फार्म चलाना है, ब्रीडिंग सेटअप चलाना है, तो क्वालिटी में काम करना चाहिए। तो आपका विजन है कि आप किसानों को, क्योंकि बहुत सारे कैसे होते हैं कि जो बकरी अपने लिए अच्छी नहीं है वो बेच देते हैं, यहाँ आपकी बात मेरे को एक अच्छी लगी, क्योंकि हमने ब्रीडर भी देखा है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि आपको अगर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगता या कोई बकरी सही नहीं लगती या कोई बच्चे की ग्रोथ बराबर नहीं हो रही है, वो आप कोई किसान को बेच के उसको बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं, आप उसको सेपरेटली रखते हैं, उसको मेहनत करते हैं, नहीं होता है तो वो अलग सेक्शन में चले जाता है, बट वो किसान को नहीं दिया जाता, बेवकूफ़ नहीं बनाते हैं आप। किसी भी फार्मर को नहीं दिया जाएगा, किसी भी फार्म सेटअप को नहीं दिया जाएगा जी, उसका एक सेटअप अलग बना दिया हमने, वो अलग है, क्योंकि सुनो जो गलती हमसे हुई, आपने जो हमें खामियाजा हुआ, एक लंबा एक्सपीरियंस हमारा रहा, हमारा गोट फार्मिंग इंडस्ट्री में, और हमने जो लोगों से सीखा रात भर जाग के गोट के बारे में हमने जाना, तो वो हम नहीं चाहते हैं कि सर की वैसा लॉस किसी और को भी। और सही बात, तो ये आपका बहुत अच्छा विजन है और सोच है मैं कहूँगा, और इसको हमें आगे लेके जाना है पूरे इंडिया में, और आपकी तरफ से ये शुरुआत हुई है, हम खुश नसीब है कि हमने आपका फार्म जो है आगे कवर करेंगे हम, और आपने हमको बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए, और हम आगे आपको बहुत ही प्योर क्वालिटी में सिरोही ब्रीडर फीमेल्स बताएंगे, और सूजत पे भी जो आप काम कर रहे हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। तो हमसे बात करने के लिए, इंट्रोडक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी और सर जी। जो भी भाई अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारे सर हैं यहाँ पर, सुकन जी और सुकन जी को काफ़ी अच्छा नॉलेज है बकरे के ट्रीटमेंट के बारे में, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बात की है, अगर मैं कह रहा हूँ कि इनको नॉलेज है मतलब आप समझ जाइए कि अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्रीडिंग सेटअप कैसे करना है प्रैक्टिकली आपको समझाएंगे, आपकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक चीज का और पॉइंट था इसमें मुझे भाई जी, बहुत बड़ा पॉइंट जी, हमारा सेट का जो देखें ना आप, इतना बड़ा सेट 174x90 जी जी, हमने इस चीज पे रिसर्च किया है, हमने केवल 1:45 में पूरा सेट बनवा दिया जी जी जी, इतना बड़ा जो शेड आप देख रहे हैं ना, हाँ, हाँ, ये हमारा 1,45,000 में टोटल लेबर कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ आ चुका है हमारा। अच्छा। तो यही हमें किसानों को सिखाना है, यही हमारे अपने फार्मर को सिखाना है कि पैसे को बचाना भी तो पैसा कमाना होता है, पैसा कमाना होता है, क्योंकि डेड इन्वेस्टमेंट होता है ये। काफी सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा फार्म बना देते हैं, लेकिन फिर बकरे लाना और उनको फीड करना पैसे नहीं होते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। आपको एनिमल ही कमा के देगा, शेड कमा के नहीं देगा, कमा के नहीं देगा। ये बहुत अच्छा मैसेज जाना चाहिए, हम कह रहे हैं ना, हमने बहुत प्रैक्टिकल किया है जी, जी जी, और प्रैक्टिकल ही काम आता है, थ्योरिकल काम नहीं आता जी जी जी। तो ये बात आपने सही कही, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे, ब्रीडों को समझेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अपना गोट फार्म्स। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका साइंस